आप लोग ने कुछ इस तरीके से पूरा रेड नंबर मारते हुए तो हर एक आईफोन प्लेयर को देखा ही होगा, लेकिन क्या हम एंड्रॉइड से भी इसी तरीके से रेड नंबर कनेक्ट कर पाएंगे? पुतले को नहीं। वन वर्सेस फोर में ओनली रेड नंबर, वो भी सिर्फ और सिर्फ एसएमजी गन से। तो गाइज चलो आज के वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सीक्रेट सेटिंग रिवील करने वाला हूँ जिसके चलते आप लोग का एंड्रॉइड डिवाइस में एसएमजी गन इतना भयंकर चलने वाला कि मैं आप लोग को मुंह से नहीं गेम प्ले दिखाकर बताने वाला हूं। तो देखो गाइज, आईफोन में और एंड्रॉइड में क्या होता है। आईफोन में अगर आप लोग ड्रैग करते हो तो उस टाइम पे एकदम स्मूथली ड्रैग होता है, आपका एम इधर उधर नहीं जाता। लेकिन एंड्रॉइड में वहीं पे हम बात करेंगे तो जैसे ही आप लोग थोड़ा सा भी प्रेशर लगाकर ड्रैग करते हो उस टाइम पे आपका एम पूरा हिल जाता है, यानी कि रिकॉइल चला जाता है ज्यादा। आईफोन से ज्यादा रिकॉइल चला जाता है एंड्रॉइड डिवाइस में, लेकिन आईफोन से ज्यादा हेडसेट एंड्रॉइड डिवाइस पे लगती है अगर आप लोग को कुछ ऐसे सीक्रेट सेटिंग का पता हो जिसके चलते आप लोग का एम जो होता है एम एकदम कनेक्ट हो पाए बंदे के हेड में एंड आपका रिकॉइल बहुत से बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो गाइज आज मैं आप लोगों को गेम का कुछ परफेक्ट सेंसिटिविटी जो कि मैं एंड्रॉइड डिवाइस में खेलता हूँ उसी सेंसिटिविटी में, और गाइज आज का वीडियो सब कुछ जो भी आप लोग को गेम प्ले देखने को मिलेगा वो सब कुछ एंड्रॉइड डिवाइस का ही होने वाला है। एंड गाइज धीरज रखो, इन तक देखना, आप लोग को मैं टॉकबैक सेटिंग से लेकर स्विच एक्सेस सेटिंग से लेकर सब कुछ बताने वाला हूँ जिसमें मैं खुद क्या क्या यूज करता हूँ। अगर आप लोग को भी सेम उसी तरीके से हेडसेट मारना है और आप लोग को भी गेम प्ले इंप्रूव करना है तो आप लोग मेरे बताए हुए सेटिंग्स को फॉलो कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं अभी लाइक करने के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में जाके आप लोग को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो बोलूंगा तो आप लोग स्किप कर दोगे, तो इसलिए अभी सारे बंदे लाइक कर देना एंड चैनल भी नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, 2 मिलियन सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोगों को मैं ड्रैग करने की स्टाइल भी सिखाऊंगा एसएमजी में किस तरीके से ड्रैग करते हो एंड्रॉइड डिवाइस में, ठीक है, एंड सेंसिटिविटी भी दिखाने वाला हूं एंड उसके बाद डीपीआई वगैरह यूज करता हूं कि नहीं करता वो भी दिखाने वाला हूं एंड टॉलबैक सेटिंग में मैं क्या यूज किया वो भी दिखाने वाला हूं। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसिटिविटी से। मेन चीज होती है गाइस 50% काम हमारा सेंसिटिविटी करता है, जो कि हमारे सेंसिटिविटी में बेसिक पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है दोस्तों, सेंसिटिविटी में जाना है एंड जनरल को 141 रखना है दोस्तों, जनरल सेंसिटिविटी को 141 रखना है। ये वाला सेटिंग्स ना बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है और मेरे एसएमजी गन में तो इतना खतरनाक वर्क कर रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। तो आपको जनरल रखना है 141 का जनरल एंड रेड डॉट को रखना है 0 दोस्तों, जिससे आप लोग का ज्यादा रिकॉइल होता है उसको कम करने के लिए रेड डॉट को 0 रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप लोग बोलोगे कि रेड डॉट का क्या काम, रेड डॉट तो बिना स्कोप वाले गन में ही काम आता है, ऐसा बोलते हो ना? नहीं मेरे भाई, रेड डॉट के मतलब ये है कि जिस गन में स्कोप नहीं होता, मान लो अभी अभी मैं उतरा एंड मेरे को यूएमपी मिली और स्कोप खोलते मेरे पास स्कोप तो नहीं है, जो स्कोप खुलता है उसको रेड डॉट बोलते हैं, तो उसको ही रेड डॉट तो बोलते हैं। लेकिन अगर आप लोग इधर से आकर रेड डॉट का सेंसिटिविटी बढ़ाओगे घटाओगे तो भी हेडसेट में बहुत ज्यादा इधर उधर हो जाएगी दोस्तों। अगर आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा है ना तो भाई ये वाला सेंसिटिविटी जरूर यूज कर लेना, फिर आप लोग बोलोगे भाई 4 फ्लैग ने सही बोला था। तो देखो सेंसिटिविटी तो मैंने बता दी, अब बारी है डिस्प्ले की, तो मैं डिस्प्ले बताना चाहता हूँ कौन सा डिस्प्ले में खेलना सही होगा। देखो मेरे पास है पोको X6 प्रो एंड इस पे ग्राफिक पे स्टैंडर्ड में खेलने के लिए मेरे को सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, फिर भी मैं अल्ट्रा में खेल रहा हूँ क्योंकि मैं फुल मैप वगैरह नहीं खेल रहा हूँ, कस्टम वगैरह खेल रहा हूँ एंड्रॉइड में, तो इसलिए मेरा अल्ट्रा पे भी सही से ठीक ठाक चल जाता है। अगर आप लोग को भी पता नहीं है कि आपका ग्राफिक्स किस तरीके से सेट करना है तो एक बार डिस्प्ले में जाओ एंड टिक मार कहाँ पे लगाया हुआ है, मतलब गेम खुद कहाँ पे सजेस्ट कर रहा है गेम खेलने के लिए। अगर आपका स्मूथ पे स्मूथ पे खेलो, स्टैंडर्ड पे स्टैंडर्ड पे खेलो या फिर अल्ट्रा पे, तो बहुत बड़ी बात है अल्ट्रा पे खेल लो। एंड उसके बाद अब बारी है हमें अंदर की मोबाइल के अंदर की सेटिंग्स जानने का। तो देखो गाइस सबसे पहले हम आते सेटिंग्स में, मोबाइल के अंदर की सेटिंग्स में, तो थोड़ा नीचे जाएंगे, नहीं नीचे नहीं जाएंगे, इधर सर्च करेंगे स्विच एक्सेस पे। तो स्विच एक्सेस पे आने के बाद हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा सा नीचे आना है, ऑटो स्कैनिंग टाइम को इनेबल करना है एंड ऑटो स्कैन टाइम को 1 सेकंड रख देना है, फिर डिले ऑन फर्स्ट आइटम को 0.1 रख देना है एंड फिर लूप्स को, मेन बात है लूप्स दोस्तों, लूप्स को रख देना है 4। लूप्स को 4 रखने के बाद हमारा जो सेंसिटिविटी होता है गेम का वो बहुत ही अच्छा बन जाता है एंड ऑटो सिलेक्ट को इनेबल कर देना है दोस्तों।
फिर जाके डेवलपर ऑप्शन हो गया, इस पे तो कुछ भी नहीं करना है। जो इग्नोर रिपीट प्रीसेस करके इसको ना 0.1 पे सिलेक्ट कर देना है दोस्तों, एंड बैक आना है। फिर जाके आपको करना है इधर टॉल बैक करके सर्च, ठीक है, टॉल बैक पे आना है। एंड टॉल बैक पे मैं कुछ भी सेटिंग अभी उतना ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग को मैं एक चीज बता देता हूँ, जिसके भी इधर सिंगल टैप पे एक्टिवेट है इसको डिसेबल करके रख देना दोस्तों। एंड थोड़ा नीचे आओगे तो टच एंड होल्ड डिले व्हेन टाइपिंग करके इसको 1 पे सिलेक्ट कर देना, बस टॉल बैक पे इतना करने के बाद हो जाएगा, बाकी जितना हमने स्विच एक्सेस भी किया वो मतलब सही होगा उससे, ठीक है। अब बारी है पॉइंटर स्पीड की, तो पॉइंटर स्पीड में देखो मैंने 90% सिलेक्ट करके रखा हूँ, आप लोग भी इस तरीके से रख सकते हो, ये भी हो गया। एंड अब बारी हमें डेवलपर ऑप्शन की, लेकिन मैं डीपीआई यूज तो नहीं करता, फिर भी आप लोग को दिखाना चाहूंगा। आपको डिस्प्ले में आना है, डिस्प्ले में आने के बाद रिफ्रेश रेट को 120 हर्ज करना है, जिससे आप लोग का सही से वर्क करेगा, ठीक है। अब दिखाऊंगा आप लोग को डिफॉल्ट डीपीआई कितना होता है, मैं सिम डीपीआई पे खेलता हूँ, तो थोड़ा नीचे आएंगे तो डिफॉल्ट डीपीआई 406 दोस्तों। और जिसका भी मोबाइल लैग होता है इधर डेवलपर ऑप्शन ओपन करके आने के बाद एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल करके इसको ना 0.5 ऐसे सिलेक्ट करके रख देना, ठीक है, जिसका भी मोबाइल लैग होता है, अगर लैग नहीं होता तो ऐसे ही छोड़ दो। अब इतना सेटिंग्स मिलाने के बाद तो गेम प्ले में कुछ अच्छा तो होना चाहिए ही चाहिए दोस्तों। अब आप लोग को कुछ ऐसे गेम प्ले देखने को मिलेगा जो कि अभी खेलने वाला हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ एसएमजी गन से आप लोग शौक रह जाने वाले हो। ये वीडियो का जो सेटिंग बताया वो सेटिंग्स यूज करके एंड सेंसिटिविटी यूज करके आप लोग प्रैक्टिस करोगे एसएमजी गन में, तो भाई सेम टू सेम इसी लेवल का गेम प्ले हो जाएगा। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर दो यार, 2 मिलियन करवाना है, वीडियो को एंड तक देखो। But I gotta go hard, gotta go and push the pedal. Pouring out my heart, every instrumental. And I gotta do good, gotta beat the devil. There's a lot on my mind, there's a lot up in my mental. But I gotta go hard, gotta go and push the pedal. Pouring out my heart, every instrumental. And I gotta do good, gotta beat the devil. I've been moving smarter and harder. Saying y'all nigga, but I came up from the water. I'm that nigga that's gon' do me till I'm stronger. You been hitting on me, you can't break a monster. Take 10 toes and I took away the nonsense. Trap got close, but he helped me with the process. I can never fall to me, there ain't other options. Niggas want me dead, so I gotta move cautious. They just want the homie, you could've told me. The kid who lost himself, but remember slowly. Who the hell he was and that nigga showed me. That he gon' be a star if he listens closely. So you can see the pain in my eyes, the days of a lie. See the pain in that eye, you know I can't cry. And niggas want me dead, so I gotta move sly. If you ask why, nigga, this why. There's a lot on my mind, there's a lot up in my mental. But I gotta go hard, gotta go and push the pedal. Pouring out my heart, every instrumental. And I gotta do good, gotta beat the devil. There's a lot on my mind, there's a lot up in my mental. But I gotta go hard, gotta go and push the pedal. Pouring out my heart, every instrumental. And I gotta do good, gotta beat the devil. Life is a process the way it is. I had to go straight on before I made it in. Mama worked 3 jobs just to make us win. So it's only best I win to go make her lean. Cause I never did that before. I know I did wrong. She told me be strong. You won't be alone. I gotta make a star from a life that's really wild. If you ask why, nigga, this why. There's a lot on my mind, there's a lot up in my mental. But I gotta go hard, gotta go and push the pedal. Pouring out my heart, every instrumental. And I gotta do good, gotta beat the devil. There's a lot on my mind, there's a lot up in my mental. But I gotta go hard, gotta go and push the pedal. Pouring out my heart, every instrumental. And I gotta do good, gotta beat the devil. That's right, I'm
to fall down, down from here. I like it way better up there. I like it way better up there. Down to the ground, I don't wanna go. Demons out there, yeah, they down below. So I'm shooting everything down below. Cause I don't wanna fall back into the abyss. To the abyss. To the abyss. I don't wanna fall back down in the abyss. It's going away from here. I don't wanna face my fear tonight. No, not tonight.